साड़ी महिलाओं के लिए सबसे ज्यादा ट्रेडिशनल फैब्रिक तो है ही, लेकिन ये उनकी सबसे ज्यादा फेवरेट भी होती है, क्योंकि ये फैशन से कभी भी बाहर नहीं जाती। चाहे वर्किंग वुमन की बात करें या फिर किसी ऐसी लड़की की जो कॉलेज जाती हो, सबके वार्डरोब में एक ना एक साड़ी तो होती ही है। अब अगर हमारे देश की बात करें तो यहाँ पर हर रीजन, हर स्टेट में अलग तरह का फैब्रिक मिलता है और अलग तरह की साड़ियाँ भी देखने को मिलती हैं। अगर बात की जाए साउथ की, तो वहाँ की कांजीवरम साड़ियाँ तो बहुत ही ज़्यादा फेमस है। वहीं मध्य प्रदेश में अगर हम जाते हैं तो वहाँ की चंदेरी सिल्क वाली साड़ियाँ तो हर औरत को बेहद पसंद है। लेकिन आप जानते हैं कि गणेश चतुर्थी आने वाली है और ये कहाँ पर जोरों शोरों से मनाई जाती है? वेल, मैं बात करने वाली हूँ महाराष्ट्र की, जहाँ पर गणेश चतुर्थी के लिए लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं और उसे जोरों शोरों से धूमधाम से मनाते हैं। आपको पता नहीं होगा, लेकिन महाराष्ट्र में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई सारी साड़ियाँ हैं जो कि वहाँ की क्लासिक हैं, वहीं से बनकर आती हैं और हर साड़ी में अलग लुक निकल कर आता है। महाराष्ट्र में चार तरह की साड़ियाँ हैं जो कि बेहद फेमस हैं। इसमें आती हैं पैठनी, नौवारी, कोल्हापुरी और पुनेरी साड़ियाँ। इन साड़ियों की अगर बात की जाए तो ये खूबसूरत तो होती हैं, लेकिन साथ ही स्टाइलिश और क्लासी लुक भी देती हैं। इन साड़ियों में ज़्यादातर कॉटन और सिल्क का इस्तेमाल होता है, जिसकी वजह से ये बेहद कंफर्टेबल भी होती है। तो आइए इन्हीं साड़ियों के बारे में और जान लेते हैं कि ये कैसे बनती हैं और इनकी विशेषताएँ क्या हैं। अगर पैठनी साड़ी की बात की जाए तो ये महाराष्ट्र की वन ऑफ द मोस्ट फेमस साड़ियों में से एक है। पैठनी जो शब्द है वो औरंगाबाद के एक शहर पैठन से आया है, जहाँ पर इस साड़ी को हाथ से बुना जाता है। इसमें बेसिकली सिल्क का इस्तेमाल किया जाता है और डार्क कलर्स में ये साड़ी मिलती है। अगर इस साड़ी की बात की जाए तो 2000 साल पहले जो है पेशवाओं द्वारा इसको व्यापक रूप में खरीदा जाता था। ना केवल महाराष्ट्र लेकिन हैदराबाद के निज़ाम को भी उस टाइम पर ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती थी और इसी वजह से उनकी बहू नीलोफर ने जो है इसमें कई सारे नए नए डिज़ाइंस के आइडियाज़ भी दिए थे। अगर पैठनी साड़ी के दाम की बात करें तो इसकी कीमत 11 लाख तक जाती है और इसको बनने में महीने से लेकर साल तक लग जाते हैं। पैठनी के बाद आती है नौवारी साड़ी, जिसको काष्ठा या लुगाड़े भी कहा जाता है। नौवारी, इसका मतलब है 9 गज, यानी कि 9 यार्ड्स। इस साड़ी को बेसिकली शादी या फिर किसी फॉर्मल इवेंट्स पर पहना जाता है। इसकी खासियत है इसका ड्रेपिंग स्टाइल। वेल, आपने देखा होगा ब्राइड्स को जो धोती स्टाइल में साड़ी को पहनती हैं, वो बेसिकली नौवारी साड़ी ही होती है। अगर इस साड़ी की बात की जाए तो इसमें डार्क कलर्स का इस्तेमाल तो होता ही है, लेकिन साथ ही इसमें सिल्क, सैटिन और कॉटन, इन तीनों फैब्रिक्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से ये खूबसूरत लुक देने में तो मददगार है ही, लेकिन साथ ही ये बेहद कंफर्टेबल भी होता है। एक और साड़ी जो महाराष्ट्र में बेहद फेमस है और वहाँ की वन ऑफ द मोस्ट ट्रेडिशनल साड़ियों में से एक है, वो है कोल्हापुरी साड़ी। जी हाँ, आपने कोल्हापुरी चप्पलों के बारे में तो सुना होगा, लेकिन कोल्हापुरी साड़ी भी एक यूनिक फैब्रिक है जो कि बहुत कंफर्टेबल है। इसमें चमकीले और डार्क कलर्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से ये औरतों को बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। इस साड़ी की अगर बात की जाए तो इसमें प्योर सिल्क का इस्तेमाल होता है, जिसकी वजह से लोग इसे ज़्यादातर शादियों पर पहनना प्रेफर करते हैं। हालांकि आप शादी के अलावा भी किसी और इवेंट पर इस साड़ी को इजीली कैरी कर सकते हैं और इसके साथ पैर करने के लिए आपके पास कोल्हापुरी चप्पल तो होगी ही, और साथ ही आप गोल्डन इयररिंग्स एंड नेक पीस के साथ अपना लुक कंप्लीट कर सकते हैं। महाराष्ट्र की 3 फेमस साड़ियों के बारे में तो हमने जान लिया, जो कि हैं नौवारी, पैठनी और तो और कोल्हापुरी। लेकिन एक और साड़ी है जिसके बारे में आपने शायद ही सुना होगा और वो है पुनेरी साड़ी। अगर पुनेरी साड़ी की बात की जाए तो ये वन ऑफ द मोस्ट ट्रेडिशनल फैब्रिक्स में से एक है। इसको ताने बाने की प्रोसेस से बनाया जाता है और इसमें 100% जो है कॉटन का इस्तेमाल किया जाता है। इसकी खासियत है इसका बॉर्डर, जो कि जरी से बनाया जाता है, लेकिन इसके साथ एक सिंपल डिज़ाइन ही होता है। और तो और अगर पुनेरी साड़ी की बात की जाए तो इसमें आपको एक ट्रायंगुलर डिज़ाइन देखने को मिलेगा, जो कि पहले के ज़माने के पुणे के जो भी मंदिर थे उसके वास्तुकला को रिप्रेजेंट करता है। हालांकि ये साड़ी देखने में बेहद सिंपल है, लेकिन जब आप इसको पहनते हैं, इसको ड्रेप करते हैं, तो आपका लुक बहुत ज़्यादा क्लासी आता है। तो ये तो थी महाराष्ट्र की 4 फेमस साड़ियाँ, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए और आप चाहें तो इसे हर तरह से पेयर कर सकते हैं, हर तरह से इसको ड्रेप भी कर सकते हैं। आपके पास इनमें से कौन सी साड़ी है हमें कमेंट करके बताएं, साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।